हेलो एक्सक्यूज मी हेलो 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 लाइंस आर सो बैड हेलो या टेल मी बोल रखे पापा जी हाँ बोलो वो टाइम वो एग्जैक्टली बता दो हाँ बस कौन सा कलर ब्लू ब्लू बोला था मैंने हेलो ब्लू ब्लू बोला था मैं हेलो हेलो एक मिनट मैं बाहर जाती हूँ एक मिनट फिल्म इट्स ऑलवेज मोर एक्साइटिंग अरे यार फिल्म पे शूट करने के लिए बजट तो चाहिए यार बजट भी मिल जाएगा सारी कंपनीज करती हैं दे ऑल पुट इन देयर ओन मनी इट्स ओनली फॉर गुडविल आई नो दैट यार बट दे कैन अफोर्ड इट आई मीन मेरी तो शुरुआत है सेम मोक्ष दिस इज हाउ आई विजुलाइज द सेट नहीं दिस बंगलो इज परफेक्ट एकदम आइडियल घर है यहां पे फर्नीचर वगैरह एक्सपेंसिव है थोड़ा डिजाइनर अब कहां से लाएंगे सब फर्नीचर It's perfect. Don't worry about it. Don't bother. Fine. It was your idea. Anyway. Sorry. Excuse me. Oh, sorry. Tea from the tea boutique. Ritu, मेरी बात सुनो इधर बैठो मेरे को कुछ जरूरी बात करनी है तुम्हारे साथ प्रोडक्शन को लेके. Actually, you see, हमारा servant leave पर है तभी ये problem है नहीं तो बिल्कुल कोई problem नहीं होती. मेरी बात सुनो. क्या tell me? वो जो मैंने मॉडल की कॉस्ट्यूम के बारे में तुम्हें कहा था वो हो गया इसके बाद में 6 महीने तक मेरे पास में अजय जडेजा के डेट्स नहीं है आई हैव टू शूट इट नाउ नहीं तुम मेरी रश्मि से बात कराओ यू हैंडल इट ना गुड शी हैंडल इट डोंट वरी तुम रहने दो मैं खुद ही बात कर लूंगी ओके एनी पर्टिकुलर कलर कलर के बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं वैसे प्रोडक्ट का जो कलर है वही कलर होना चाहिए कॉस्ट्यूम का नहीं हाँ रश्मि आई एम रितु नहीं वो फोन रश्मि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सेट मैं समझ रहा हूं नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा जिस कलर का प्रोडक्ट मेरे बिना कुछ भी नहीं होता ना यहां पर कलर का कॉस्ट्यूम स्पेशली पाउडर साड़ी यार मदर ओके एनी पर्टिकुलर लुक 50 60 70s 80s सेम परपेचुअल मदर लुक दैट्स ऑल आई विल सी हाँ आज के मिला के टोटल 17 कपड़े हो गए मैम साहब पुराने जमाने में लोग 5 औरतों से दूर रहा करते थे उसकी परछाई से भी दूर रहते थे मेरे साथ भी ऐसा ही होगा मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा मुझसे दूर भागेगा मेरे पीठ पीछे मजाक उड़ाएगा बोझ समझेगा मुझे So sad for you. कितने सपने देखे थे उसने माँ बनने के ना जाने क्या गुजर रही होगी उसके दिल पर गिर गया कुछ नहीं हुआ ऋचा चाय ठंडी हो रही आकर पी लो आ रही हूँ काम बाद में करना मुझे तुम्हारे साथ चाय पीनी है आ जाओ Shall I get you some biscuits? रिचा कहाँ है बस यही बैठी चाय पी रही है अच्छा कैन यू कॉल हर फॉर मी प्लीज हाँ रिचा रितु का फोन हाँ बोल सर तू उस मोक्ष को जानती है ना हाँ उसने हमें एक असाइनमेंट दिया है गुड से ग्रेट मेरी बहना इट्स अ बिग थिंग या ग्रेट हाँ और मोक्ष चाहता है कि विक्की उसकी एड एजेंसी के लिए एक फिल्म बनाए इसने ग्रेट हाँ यार तू मोनोसिलेबल्स में क्यों
जवाब दे रही है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कौन सा जवाब? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, पता नहीं तुझे मेरी बात समझ में भी आ रही कि नहीं। बाय। रिचा, आई थिंक यू नीड टू स्पीक टू समवन। आई नीड टू स्पीक टू समवन अबाउट व्हाट? यही, ये जो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है जिसको लेकर तुम इतना अपसेट हो। रिचा, मदरहुड के आगे भी जिंदगी है। There's so much more you can do in life. That's not the end of it. तुम्हें किसने कहा मैं मां नहीं बन सकती? तुम्ही ने तो कहा था वो मेडिकल रिपोर्ट। मैंने कहा था मैं मां नहीं बन सकती? हाँ, what is the matter with you? एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक हो जाएगी। ना इशू बनाने की क्या जरूरत है? Of course मैं मां बन सकती हूँ। Just chill, everything is alright. हाँ रिया। अरे यार कब से फोन ट्राई कर रहे हैं यार, मिल ही नहीं रहा तुम्हारा नंबर। अच्छा तुमने फोन। हेलो हेलो हेलो। अरे आयुष बोल रहा है यार। क्या फोन खराब है क्या? हेलो हेलो। अरे खराब है क्या? हेलो फोन खराब है क्या? पता नहीं मामा कौन है, शायद फोन खराब है। हेलो हेलो। रिया? नहीं, आप कौन? हेलो, इज इट 633-1515? यस दैट्स राइट, पर आप कौन? हाँ मैं रिया से बात करना चाहता हूँ। वो तो मैं समझ गई, लेकिन आप हैं कौन? मैं आयुष कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ कानपुर से। आयुष कुमार उपाध्याय जी, मैं रितु जी, जी रिया जी की बहन जी। कैसी हैं आप बहन जी? आपने हमें कैसे याद किया जी? कर रहा था रिया से, फोन कट गया। अभी फोन तो ऑफ था। अरे तू, हाँ मेरा मतलब रिया घर पर नहीं है। अरे अभी अभी बात कर रहे थे उनसे हम लोग भाई। हाँ अभी नहीं है। बाय। हेलो, ये क्या मामला है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देख जो तेरे दिल में है, जो महसूस कर रही है वो साफ साफ कह दे। तुझे पता है वो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए फ्लाइट पकड़ के आना चाहता है। हाय हाय राम जी। रितु, इट्स नॉट फनी। पता ना मैं क्या करूँ, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। देख इस बार मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। यू नो आजकल हम लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं। अरे हाँ, तुम लोग वो एड शूट कर रहे हो ना। हाउ सिली, मैं विकी को कांग्रेट्स कहना भी भूल गई। इट डजंट मैटर यार। But you know, Vicky is a perfectionist. वरना आजकल किसी को हैंडीकैम के काम पर एड फिल्म का शूट कभी मिला होगा? I know he'll do a great job. He'll be a great director one day. अफोर्स तो मेरी बेटी को मुनाफा होगा तो मुझे बुरा लगेगा क्या? हाँ, काम में कोई बेटी बेटी नहीं होती। तू बकवास मत कर पिंकी। जो देंगे मैं ले लूंगी और जो नहीं भी देंगे तो भी कर लूंगी। चल। अरे कल तुझे जाना है ना, अभी तक तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। हाँ हाँ, रितु का फोन आया था, वो आने वाली है। और देख रितु के सामने तो ऐसी वैसी बातें बिल्कुल मत करना। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, लेकिन तेरी बहन हूँ इसलिए कह रही हूँ। आज जो पैसा कमाएगी कल वही तेरे काम आएगा। ओहो, तो कल मुझे पैसे की जरूरत होगी तो रितु नहीं देगी क्या मुझे? अरे मान लो वो देना चाहे, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं देना चाहेंगे तो? देख मैं कोई नाजायज बात कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, जितना बनता है वो दे दे बस। चुप कर। अरे सुन तो, मैं तुझसे। अरे तू का भाई। हाय, कैसे हैं आप लोग? बस देख ले काम निपटा रहे हैं। कल शूटिंग है ना, और आज पानी की इतनी कमी है कि टंकी नहीं भर रही। अच्छा अच्छा, आपके साथ पैसे की बात हुई है? हाँ हाँ, नहीं हुई है। हाँ नहीं हुई है, कोई बात नहीं। एक मिनट,
आपको लेकर हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मैं इसलिए आपको ये बात समझाने आई हूँ। यू नो विकी इज अ परफेक्शनिस्ट, आपकी वजह से बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी सवाल पूछने हो विकी से शूटिंग से पहले पूछ लीजिएगा, शूटिंग रोक के मत पूछिएगा प्लीज। अरे क्या मतलब, राधा तेरा समय पर बात करेगी? टाइम इज मनी पिंकी मौसी, मेरा क्या है। लेकिन बाकी लोग जब शूटिंग पे पहुंच जाते हैं तो उनका तो मीटर डाउन हो जाता है, और जब आप पैसे दे रहे हो तो यू एक्सपेक्ट प्रोफेशनलिज्म। और एक और बात, आपके पास बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज योर बिग चांस, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा पैसे की बात अभी कर लेते हैं। हाँ हाँ बाद में बात करें। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, शूट के दौरान मैं आपको राधा जी पुकारूंगी, आई जस्ट होप यू डोंट माइंड। And another thing, I want your hair shampooed, your facial done, manicure, pedicure, the works. I'll bill Rifa Dishka and we'll take care. Bye, Radha ji. इसको कहाँ ले जाएँ? अरे संभाल के रखना। अरे देख के जाओ यार, वो पेड़ रास्ते का नहीं, वो पेड़ जान है उसके अंदर। Hi. Hi. I am Ravi. तुम्हारा नाम क्या है? I am Kumar. Oh, Kumar. Good. देखो कुमार, I don't believe in politicking. इसलिए हमें united रहना चाहिए। क्या है ना, नहीं तो ये producer जो है ना, ये बहुत exploit। इसको कहाँ ले जा रहे हैं? भाई? अरे पूरा घर ऊपर से नीचे करेंगे क्या? अरे दादा आराम से। उनका ये काम है। देखो क्या है ना, नहीं तो प्रोड्यूसर जो है ना बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। वैसे मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डिग्निटी के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ। इसलिए आज से मेरी इंसल्ट तुम्हारी इंसल्ट है और तुम्हारी इंसल्ट मेरी। आपको ये क्यों लगता है कि प्रोड्यूसर के पास और कोई काम ही नहीं है इंसल्ट करने के अलावा? अरे तुम इन्हें नहीं जानते। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए ना, नहीं तो क्यों बर्दाश्त करोगे अपनी बेटी बराबर लड़की का इस तरह हुक्म चलाना? हाँ ये बात तो है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ भाई, ये तो बस टेम्पररी वर्क है और कुछ नहीं। फिर तो तुम्हें प्रोड्यूसर को पैसे देने चाहिए ना, प्रोड्यूसर तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है। मुझे? रवि, रवि, भाई चाय कितनी बनी है? अब मुझे क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम है यूनिट में कितने लोग हैं? सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अब बताइए, ये चाय भी गिन गिन के पिलाएंगी। ठीक बात तो है, पैसा वेस्ट करें क्या? अरे अरे तुम एक बात बताओ, तुम मेरी साइड हो कि उनकी साइड है? अरे रवि क्लैप कौन देगा भाई? मैं दूंगा सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए। व्हेन रवि इज देयर नो प्रॉब्लम। सर मैंने सुभाष भाई को असिस्ट किया है और आप तो जानते हैं सुभाष भाई कितने परफेक्शनिस्ट हैं। वाह, सुभाष भाई को असिस्ट किया? सर एड में प्रहलाद कक्कड़ थे और करण कपूर। वेरी गुड रवि, ठीक है क्लैप तुम देना, क्लैप ही देगा। हाँ सर मैं ही दूंगा क्लैप, और कौन देगा? क्लैप देना क्या होता है? सिंपल यार, किसको दे रहा होता है? कैमरे के सामने डायरेक्टर को। मैं दूंगा क्लैप। हाँ मैं दूंगा। अरे पर आप कैसे दे सकते हैं? जैसे आप दे सकते हैं वैसे मैं दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं मैं नहीं दे सकता। अरे अरे सुनो, मुझे हर काम करने की आदत है। हाँ तो हम भी आदत डालेंगे। अरे चाय दो ना यार। अरे सुनो तो। अरे आप उधर से जाइए ना, बाहर से जाइए। रोल कैमरा साउंड रोलिंग सीक्वेंस वन रोल कैमरा पहले कैमरा साउंड रोल कैमरा रोलिंग कैमरा साउंड। मॉडल कौन है? मॉडल है राधा शोरी। नाम कैसे पता है यार? वो ऐड कौन से किए वो बोलो ना। अभी ऐड नहीं किए, नहीं है वो। यहाँ क्या नया काम करने वालों की लाइन लगी है? वो डायरेक्टर भी सुना है कि पहली बार काम कर रहा है। आपके सुभाष गई ने भी तो कभी नया काम किया होगा ना। जीनियस सर, जीनियस होते हैं वो लोग। कैमरा तुमको क्या मालूम कि लड़का जीनियस नहीं है? क्या है ना कि विक्रम जी बहुत कंफ्यूज्ड है। छोटा मुंह बड़ी बात, आपको एक बात बताऊं, मैं अगर वो फिल्म करूँ ना तो उनसे अच्छी कर लूँ। और वो पटाखा, अरे उनकी बीवी, तुम्हें क्या लगता है कि उसको कुछ एक्सपीरियंस है? देखो यार बात सुनो, तुम मेरे को तुम करके नहीं बुलाओगे। मैं तुमसे कम 15-17 साल उम्र में बड़ा हूँ। तो क्या हुआ, शायद तुम 20 साल बड़े हो?
यार मैं तो बस थोड़ी दोस्ती बढ़ा रहा था। और दूसरी बात सुनो, जो बीवी होती है ना किसी की भी बीवी, वो बीवी होती है, वो पटाखा नहीं होता, समझे? I was just joking यार। माँ बनने की तैयारियां शुरू कर दी? हमें देखो हम कैसे बाप हैं। बाय द वे मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं। क्या क्या कहा उसने? बात नहीं हुई, रास्ते में मिल गई थी। अच्छा उन्होंने बताया कि तुम उनकी क्लिनिक में गई थी। सो व्हाट इज द न्यूज? व्हाट न्यूज अबाउट द बेबी? यार डॉक्टर ने नहीं बताया। पागल हो तुम? कहा ना कि उनसे बात नहीं हुई। हाँ वो कुछ कहना तो जरूर चाह रही थी लेकिन मैं ही जल्दी में था, सोचा कि तुमसे जाकर घर में पूछ लूंगा। ए कम ऑन टेल मी व्हेन एम आई गोइंग टू बिकम अ फादर ऑफ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बिटिया। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। अरे तो बताओ ना। सस्पेंस मत बढ़ाओ, साफ साफ बताओ कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। When are you going to become a mother? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नहीं छोटी सी प्रॉब्लम है, वो सर्जरी करनी पड़ेगी। Will that be okay with you? नहीं यार, माँ बनने के लिए, तुम्हें नानी बनाने के लिए everything's okay with me. That's my girl. देखो रिचा, करण को क्यों नहीं बता देती कि तुम मां नहीं बन सकती? क्यों अवॉइड कर रही हो सिचुएशन? अरे मरी तो ऐसे ही जाएगी। कहां जाएगी? शूटिंग में। अरे राधा कब से इंतजार कर रही होगी। लेकिन क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहन के जाऊं। इतना आपने पहना है वो कम है। ये ठीक है मौसी? ऐसे लग रहा है जैसे आप दुल्हन बन के अपनी शादी में जा रही हैं। वही तो, बताना शूटिंग में कैसे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। मौसी मुझे नहीं पता, मैं कहीं नहीं जा रही। अरे क्या कर रहा है, उसको हटा दा यार, उधर लाइट नहीं आ रहा, बराबर नहीं है उधर यार। ये क्या कर रहा है यार, तू रुक ना यार। ए चल ट्रॉली आ गए जरा, ए ट्रॉली आ गए। अरे इसमें कुछ लगाना मत, निशान मत करना इस पे। जैसा है वैसे ही रहने देना, उसको हिलाना मत। आपने इधर कपड़ा देखा, एक कपड़ा पड़ा हुआ था। कीला मत ठोकना, कीला मत ठोकना उधर। मैम शॉट इज रेडी। अरे बाप रे, बुलाया क्या? नहीं बुलाया नहीं है, लेकिन आप तैयार रहिए ना। जब शॉट रेडी हो जाए तो हमको बता देना, हम आ जाएंगे। ठीक है जाओ। आई थिंक दिस इज वेयर वी गोना हैव अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके ये बात बाद में देखो। ये बाद में देखो। ऋतु वो हां बेस्ट ऑफ लक। हां साबुन आ गया? हां आई विल मंगाओ 2 किलोस। 2 किलोस ऋतु, कम ऑन डू बी स्टूपिड यार, 2 किलो से क्या होगा, देयर विल बी रीटेक्स यार। कितने मंगाती है? 100 किलो। Don't argue with me in front of everybody, yaar. Don't argue. Chalo, let's start. Ready? Haan, ready. Chalo. Relax. Bhai, artist ka hai? Can we start rolling? Yeah, most sure. Artist ko bulao! What is the delay? I don't believe this. Makeup bhi karte rehte hain. Sab kuch tumhari wajah se ho raha hai. Okay, come on. Mama, makeup ho gaya aapka, chalo. Clap ka hai, aaiye, please. Clap ka hai, yaar. Arre, clap ka hai. Aram se. Arre, Riya. Ma'am. आपको यहाँ से आना
एक मिनट, चलो चलो, वी आर वेस्टिंग टाइम। ओके करेक्ट, ठीक तो था, किसने कपड़ा कितनी देर से मांग रहा हूँ, ठीक नहीं लिखा अभी। हाँ चलो, क्या दिक्कत,